नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चले रुक करते हैं फटाफट खबरों का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पटाखा व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में दो घंटे के लिए पटाखा जलाने की छूट दी जाएगी, इससे पटाखा व्यापारियों को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश में प्रदूषण और कोरोना के लगातार बढ़ते केस के चलते पटाखा जलाने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब इस रोक को लेकर सीएम की तरफ से दो घंटे की राहत के बाद पटाखा व्यापारियों को कम नुकसान होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि प्रदेश के स्कूलों में योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1000 आयुष सहायकों के पदों की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में अब तक 560 व्यायामशालाएं स्थापित की गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 चरणों में 6000 स्कूलों में चलाया जाएगा, हर रोज सभाओं में योग किया जाएगा। देशभर में टीचर्स के लिए योग प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। मुख्यमंत्री कार्यक्रम से जुड़े उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बीच योग बहुत जरूरी है। सीएम के साथ चर्चा में कई जिलों से लोग भी जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंसान के जीवन में योग का काफी महत्व है, कोरोना काल के बीच योग बहुत जरूरी हो गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण होने के बाद उन्हें भी योग के चलते वायरस से लड़ने की शक्ति मिली थी, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। पानीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डीपीआई और पीटीआई टीचर्स के लिए योग शिविर का शुभारंभ किया। इसके साथ ही बीजेपी के जिला कार्यालय का भी शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि डीपीआई और पीटीआई टीचर्स को योग प्रशिक्षण देने का मकसद है कि वे अपने स्कूलों में जाकर छात्रों को योग सिखा सकें, योग को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में पार्टी के जिला कार्यालय खोले जा रहे हैं, कार्यकर्ता अपने घरों से पार्टी को चलाते थे, जिले में कार्यालय खुलने से पार्टी और संगठन मजबूत होगा। जहरीली शराब से हुई मौत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कई आरोपी पकड़े जा चुके हैं, पूरे मामले में अभी 2 मुख्य आरोपी पकड़े जाने हैं, जिसे जल्द पकड़ लिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री रतनलाल की मां परवारी देवी को श्रद्धांजलि देने लाडवा पहुंचे। रतनलाल कटारिया की मां की मौत बीमारी की वजह से हुई थी। सीएम के साथ सांसद नायब सैनी, पूर्व विधायक पवन सैनी, कृष्ण बेदी भी मौजूद थे। करनाल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रेमनगर में योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की, इसकी शुरुआत सीएम ने चंडीगढ़ से ऑनलाइन की। कैथल के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में आयुष और शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित योग ट्रेनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरुआत की। कार्यक्रम में कैथल के उपायुक्त सुजान सिंह, एडीसी सतबीर सिंह कुंडू के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों ने शिरकत की। योग प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 220 पीटीआई और डीपी ने भाग लिया। सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के मल्टीपर्पज हॉल में योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना और योग परिषद की संयुक्त पहल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त ने की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि योग को गांव गांव तक पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है। दौरान अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि इस जिले के पीटीआई, डीपी और टीचर्स को योग की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह कार्यक्रम 21 दिनों तक चलेगा और 3 चरणों में योग प्रशिक्षण करवाया जाएगा। सिरसा के जनता भवन में कांग्रेस पार्टी की ओर से किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा और कांग्रेस हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल ने शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने राइट टू रिकॉल बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिल लोगों को लगवाने का है, लेकिन राइट टू रिकॉल का प्रावधान सांसदों विधायकों के लिए भी होना चाहिए। जीत का दावा करते हुए अरोड़ा ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विजयी होगा, क्योंकि किसान विरोधी 3 बिल यहां से किसान आहत है तो वहीं कर्मचारी और युवा वर्ग भी हताश है। फरीदाबाद में निकिता के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। सेक्टर 2 में शोक सभा की गई, जिसमें 200 से ज्यादा लोग एक समय में मौजूद रहे। 10 शर्तों के साथ प्रशासन ने शोक सभा करने की अनुमति दी थी। शोक सभा में सिर्फ पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई, नारेबाजी करने को लेकर मनाई की गई थी। इससे पहले प्रशासन ने परिजनों को शोक सभा की अनुमति नहीं दी थी। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद परिजनों को शोक सभा करने की अनुमति दी गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी 93 साल के हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ट्वीट किया कि वे पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ही देशवासियों के लिए प्रत्यक्ष प्रेरणा स्रोत।
प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने उनके निवास पर पहुंचे, जहां पर उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया गया और पैर छूकर आशीर्वाद दिया। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने वरिष्ठ नेता के साथ जन्मदिन के मौके पर केक काटा, उन्हें खिलाया। सीएम मनोहर लाल ने भी लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी है। ट्वीट किया, कर्तव्य निष्ठा राष्ट्र सेवक, हमारे मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत। लालकृष्ण आडवाणी को ढेर सारी शुभकामनाएं, उन्हें अच्छे स्वास्थ्य की कामना। पलवल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 2,32,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों की नवीनीकरण कार्य का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सीएम के नेतृत्व में विकास कार्यों को गति मिली। इस दौरान 1,90,00,000 की लागत से नहरों पर बनने वाले 3 पुलों का उद्घाटन भी किया गया। पुलों का निर्माण कार्य जनवरी तक पूरा हो जाएगा। होडल विधायक मौके पर मौजूद रहे। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 31 गांव के लिए 24 घंटे बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई है। 6 महीने के अंदर जिले के सभी गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होगी। करनाल में स्ट्रीट गेम का आयोजन किया गया। इस गेम की शुरुआत करनाल के उपायुक्त निशांत यादव ने की। गेम का मकसद बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करना था, ताकि बच्चे खिलाड़ी बनने से पहले बच्चों की तरह से खेल का आनंद ले सके। रेवाड़ी में प्रतिभा विकास मंच धानक समाज हरियाणा की ओर से प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया। जिन्होंने शिक्षा और कला में अपनी प्रतिभा को दिखाया, वैसे सभी बच्चों को सम्मानित किया गया। 81,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे दिल्ली मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेसवे के बीचों बीच मेवात इलाके में कट देने की मांग की जा रही है। इसे लेकर भूख हड़ताल की जा रही है। अपनी मांगों को लेकर दर्जनों गांव के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों की ओर से 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया, जिसमें कहा गया कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे अनिश्चितकालीन धरना देंगे। देश के सभी जिलों के सफाई कर्मचारी अपनी अपनी मांगों को लेकर के अंबाला में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे सरकार ने नहीं मानी तो 26 नवंबर को वे भूख हड़ताल करेंगे। आक्रोशित सफाई कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। इन कर्मचारियों ने कहा कि सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है। इन वादों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के साथ कई मांगे शामिल हैं। मेवात के पिनगवां तेड मार्ग की हालत बदहाल है। सड़क जर्जर होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार खराब सड़क के चलते एक्सीडेंट भी देखने को मिल रहे हैं। अंबाला में नगर निगम चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने चुनावी शंखनाद कर दिया। इसी कड़ी में हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट से पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने सबसे पहले मेयर पद के प्रत्याशी के लिए नाम का ऐलान किया। अंबाला में मेयर पद को महिला के लिए आरक्षित किया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट से पूर्व पार्षद दिलीप चावला की पत्नी अमीषा चावला को मेयर पद के लिए चुनावी प्रत्याशी बनाया गया। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संघ की ओर से बैठक कर 1992 से 2002 तक सभी कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की गई है। साथ ही कहा कि सरकार हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 600 बसों को शामिल करे। रोडवेज कर्मचारी संघ ने बैठक कर रोडवेज के निजीकरण के खिलाफ भी विरोध करने की बात कही है। साथ ही रोडवेज में हो रहे भ्रष्टाचार को भी खत्म करने की सरकार से मांग की। पलवल के एलिवेटेड पुल का निर्माण कार्य अब शुरू हो गया। लगभग 1.25 साल से एलिवेटेड पुल का निर्माण कार्य बंद पड़ा था। 225 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे इस पुल के बनने से लोगों को जाम से निजात मिलेगी। बदहाल सड़क और अतिक्रमण के कारण पूरा दिन गाड़ियां यहां पर जाम में फंसी रहती है। अब पुल का काम शुरू होने से शहरवासियों को जाम और प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है। दीपावली पर कुम्हारों में खासा उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि पहले के मुताबिक अब की बार दियों की बिक्री कम हो गई है। अब लोग दियों की जगह पर चाइनीज सामान का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कुम्हारों का कहना है कि हर साल की तरह से इस साल भी दिया बनाने का काम मुसीबत में है। कुम्हारों की माने तो पहले चाइनीज सामान ने मुसीबत बढ़ाई थी, अब कोरोना को लेकर के भी बिक्री में काफी कमी है। फरीदाबाद में लव जिहाद और निकिता हत्याकांड की आवाज उठाने वाले हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के एक नंबर से जान से मारने की धमकी मिलने की बात कही है। मामले में कार्यकर्ता अनुज ने साइबर क्राइम सेल को अपनी शिकायत दी। इसमें पाकिस्तान की नंबर सीरीज बताई गई है। गाना के बस स्टैंड पर समय सारणी विवाद को लेकर निजी बस कर्मचारियों और पंजाब रोडवेज कर्मचारियों के बीच में हाथापाई का वीडियो सामने आया है। पंजाब रोडवेज कर्मी का आरोप है कि उसके हाथ से कैशबैक छीना गया। पंजाब में अधिकारियों को सूचना दी गई है। FIR दर्ज करवाने की बात की जा रही है।
पंजाब रोडवेज कर्मचारी ने आरोप लगाया कि निजी बस कर्मचारियों ने उसके कपड़े फाड़े। पहले भी इन्हीं लोगों ने उनके साथ झगड़ा करते हुए बस स्टैंड का मेन गेट जाम कर दिया था, जबकि वे निर्धारित बताए गए समय पर तो आना पहुंचे। फरीदाबाद में पीएनजी की आपूर्ति करने वाली अडानी कंपनी की एक लाइन में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। राहत की बात रही कि कोई हताहत यहां पर नहीं हुआ। घर में लगी गैस पाइपलाइन में लीकेज के चलते आग लग गई, कई वाहन जलकर खाक हुए हैं। पुलिस ने कुछ अडानी कर्मचारियों को हिरासत में लिया ताकि अग्निकांड के कारणों का पता लगाया जा सके। झज्जर की अनाज मंडी में उस वक्त किसानों और मंडी आढ़तियों के बीच अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जब मैदान में खुले में रखी बाजरे की बोरियों में अचानक से आग लग गई। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, कुछ लोग इसे साजिश बता रहे हैं। किसानों ने आग पर काबू पाया। आढ़तियों का कहना है कि अगर समय रहते वे मौके पर नहीं पहुंचते तो बहुत बड़ा नुकसान यहां पर हो सकता था। दतिया में सीआईए पुलिस ने एक नशा तस्कर महिला को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला से पुलिस ने 110 ग्राम हेरोइन बरामद की है। गिरफ्तार नशा तस्कर महिला के खिलाफ सदर थाना रतिया में नशीला पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस जल्द ही महिला को कोर्ट में पेश करेगी। करनाल नेशनल हाईवे पर एक हादसे में एक महिला की मौत हो गई। बाइक सवार महिला को एक ट्रक ने टक्कर मारी, इससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए चालक की तलाश शुरू कर दी। झज्जर के गांव सिलानी के पास बाईपास पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचल दिया। घायल बाइक सवार को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान दीपक के तौर पर की गई, जो कि पानीपत का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि मृतक कंबल बेचने का काम करता था। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के मौके पर अलाफिया अस्पताल मांडीखेड़ा में चिकित्सकों की ओर से लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि चिकित्सक मानते हैं कि हर साल मौत का आंकड़ा कैंसर की वजह से बढ़ रहा है। इस बीमारी में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, समोसा जैसी चीजों से परहेज करना चाहिए। फरीदाबाद में शिक्षा अधिकारी की पहल, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 20 छात्राओं को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से ऑनलाइन पढ़ाई पूरी करने के लिए एंड्रॉइड फोन वितरित किए गए। कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूलों में क्लास नहीं लग पा रही, इसे देखते हुए अब ऑनलाइन क्लास के जरिए छात्रों की पढ़ाई करवाई जा रही है, लेकिन सभी छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा का लाभ अभी ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा। हरियाणा सरकार की पहल पर शहीद पुलिसकर्मियों की फोटो उनके गृह क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में लगाई जा रही है, ताकि स्कूली बच्चे उनके फोटो देखकर उनके बारे में पढ़कर अपने जीवन में कुछ सीख सकें। फरीदाबाद में शहीद पुलिसकर्मी योगीराज मेहता का फोटो राजकीय बाल माध्यमिक स्कूल में लगाया गया। इस दौरान शहीद परिवार के परिजन पुलिस की टीम ने फोटो का अनावरण किया। भिवानी के गांव प्रेमनगर के छात्रों के लिए खुशखबरी है। अब चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के 18 कोर्सेज में हर कोर्स में एक सीट पर गांव के छात्रों को दाखिला दिया जाएगा, एक घोषणा विश्वविद्यालय के कुलपति ने। उन्होंने कहा कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की कोशिश है कि शिक्षा के जरिए सामाजिक समस्याओं का समाधान निकले। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को तोहफा दिया। पीएम ने सूरत को सौराष्ट्र से जलमार्ग से जोड़ने वाले अजीरा गोगा रू पैक्स फेरी सर्विस का उद्घाटन किया। रू पैक्स फेरी सेवा को हरी झंडी दिखाई। इस सेवा के शुरू होने से गोगा और हजीरा के बीच सड़क मार्ग की जो दूरी 375 किलोमीटर के वो समंदर के रास्ते से घटकर सिर्फ 90 किलोमीटर रह जाएगी। 3 से 4 घंटे में दूरी तय होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात दोनों ही क्षेत्रों के लोगों का बरसों का सपना पूरा हुआ, बरसों का इंतजार खत्म हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुजरात में समुद्री कारोबार से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग पर तेजी से काम चल रहा है। सरकार का प्रयास घोगा दहेज के बीच फेरी सर्विस को फिर भी जल्द शुरू करने का है। अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिल गया। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को हरा करके बाजी मान ली है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री ने बधाई दी। प्रधानमंत्री ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी। पीएम ने ट्वीट किया कि हम भारत और अमेरिका के संबंधों को और अधिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए मिलकर काम करें। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने जा रही कमला हैरिस को भी बधाई दी। ट्वीट किया कि कमला हैरिस की सफलता सभी भारतीय अमेरिकियों के लिए गौरव की बात है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने ट्वीट में बाइडेन के सफल कार्यकाल की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि उनके कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत होंगे।
उधर डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए खुद की जीत का दावा किया। ट्रंप ने ट्वीट किया कि पर्यवेक्षकों को काउंटिंग रूम में घुसने की अनुमति नहीं दी गई, मुझे 7 करोड़ 10 लाख वैध वोट मिले हैं, ये चुनाव मैंने जीता है। ट्रंप की पार्टी का आरोप है कि बड़ी संख्या में मेल इन बैलेट्स निर्धारित समय के बाद आए, नियमानुसार तब तक वोटिंग खत्म हो चुकी थी और ट्रंप की मांग थी कि इन मतों की गिनती ना की जाए। अमेरिका के लोगों को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि आपसी कड़वाहटों को भुलाया जाए, चुनाव की वजह से जो तापमान बढ़ गया था उसे कम किया जाए, हम फिर एक दूसरे से मिलेंगे। बाइडेन ने कहा कि वे वादा करते हैं कि वो ऐसे राष्ट्रपति बनेंगे जो देश और समाज को तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की कोशिश करेंगे, अमेरिका के राज्यों को लाल और ब्लू के रूप में नहीं देखेंगे। प्रदेश में कोरोना के 2011 नए मामले सामने आए, 17 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 80,424 तक पहुंच गया। देश में कोरोना के 15,713 एक्टिव केसेस हैं, 24 घंटे में 1,638 मरीज रिकवर हुए, अब तक प्रदेश में 1,62,814 मरीज ठीक भी हुए। सिरसा में कोरोना के 78 नए मामले सामने आए हैं, अब तक कुल कोरोना के 5,934 एक्टिव केस हैं, जबकि 65 लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया, कोरोना की वजह से अब तक 82 लोगों की मौत हुई। नौ में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए, 8 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया, इसके अलावा अब तक जिले में कोरोना से 26 लोगों की मौत हुई। देश में 24 घंटे में 40,153 नए केस मिले हैं, 557 मरीजों की मौत हुई, 85,07,000 से ज्यादा टोटल केस, 5,11,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 150 मरीजों की मौत हुई, कुल मौत का आंकड़ा 45,000 से ज्यादा हो गया, अभी भी 15,69,000 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से आकार मचा हुआ, एक दिन में आए 2,341 नए केस, अभी भी 18,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं, अब तक 11,324 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल है, एक दिन में 1,894 नए केस मिले हैं, अब तक 4,65,250 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं, तो 22,991 केस एक्टिव हैं। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं, एक दिन में 1,841 नए केस सामने आए, मरीजों का आंकड़ा 2,09,000 के पार चला गया। दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, 24 घंटे में सामने आए 6,953 नए केस, 79 लोगों की मौत हुई है, 40,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 2,367 नए मामले, मरीजों का आंकड़ा 8,40,000 के पार चला गया, 21,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। दुनिया में कोरोना के आंकड़े 5,02,00,000 के पार चले गए, अब तक 12,00,000 से ज्यादा मरीजों ने अपनी जान गंवाई है, पूरी दुनिया में अब 1,34,00,000 के पार कोरोना के केस एक्टिव हैं। अमेरिका में कोरोना ने जमकर तबाही मचाई, कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार चली गई, 64,41,000 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हुए। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील है, अब तक 1,62,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते यहां पर जान गंवाई है। रूस में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, कुल मरीजों की संख्या 17,53,000 के पार चली गई।